बोलो। आज जो लद्दाख में इलेक्शंस हुए काउंसिल के, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, यहाँ से साफ जाहिर होता है कि जो बीजेपी के खोखले दावे थे, अवाम ने उन दावों को जुटला कर फेंक दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। आज ये पता चल गया है कि ये जो सरकार थी इलेक्शन क्यों नहीं करा रही थी, क्योंकि इनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया है अवाम ने। मैं इस मौका पर तमाम जम्मू कश्मीर की रियासत लद्दाख के लोगों को, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और वो वक्त दूर नहीं कि जब ये आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली इलेक्शन होंगे जब, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तब भी सबसे बड़ी पार्टी सामने बनकर उभरेगी और ये लोग सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी जमात को बहुत बहुत बड़ी मुबारक है, जो पूरे 9 साल के बाद हमने आज इतनी बड़ी खुशखबरी सुनी है। और सबसे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे निपुंज की आन बान शान एजाज जान साहब को बहुत बहुत मुबारक है, और जो हमारी ये जो हमारी तंजीम है इसको मुबारक है, जिन्होंने इन एफर्ट्स करके और लद्दाख में हमारी काउंसिल के हमारे 8 मेंबर जीते हैं, और हमारी ये सबसे बड़ी जीत है, हमारे सबसे बड़ी ये जीत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत है। और ये आज पता चल गया बीजेपी के झूठे वादे से, खोखले वादे थे कि चाहते थे कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, आज पता चल गया कि उन्होंने 9 सालों में क्या काम किए, और ये काम करने से उनको ये पता चला है कि वो सबसे बड़ी पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बन के उभरी है। हम सब सबको मुबारक है, और ये आगे असेंबली के इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन में हम चाहते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। आज जो काउंसिल के जो इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे जो बड़ी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उभर के आई है। तो हम यहाँ पुंछ की जानब से डॉक्टर फारूक कायदे सानी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और जनाब एजाज जान और ले की पूरी आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आने वाला जो वक्त है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, तो हम इस जीत पे सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर साहब, आजाद जान साहब, जैसे कि आज आप सभी ने सुना, और बड़ी खुशी की बात है कि जो लेह लद्दाख करगिल में जो काउंसिल के इलेक्शन जो हुए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अपनी बड़ी मात्रा में जो है अपनी सीटें निकाली हैं। मैं समझता हूं कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। खासकर मैं समझता हूं कि जब से 370 और 35 से हमारे से छीना गया है, तब से ये एक पहला इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, और जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो है एक बिल्कुल एक खुले दिल से जो है वोटिंग की। और मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो एक मैसेज उन्होंने पहुंचा दिया है कि हम जो है जमीनी सतह पर जो है इस पार्टी के साथ है। मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की आवाम की दुख भलाई हर चीज में जो है शामिल होती है। मैं जहां तक मैं समझता हूं कि आने वाला जो टाइम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, और जहां असेंबली इलेक्शन की बात है, अगर आज की डेट में असेंबली इलेक्शन होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पूरी मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाएगी। मैं पूरे पुंछ वासियों को, अपने जम्मू कश्मीर की आवाम सभी को जो है आज की यह मुबारकबाद पेश करता हूं, खासकर अपने कायदे साईं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को और जनाब एजाज जान साहब को। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, जान साहब जिंदाबाद।